बानपुरा में प्रदेश सरकार की विकास यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में क्षेत्र के विधायक देवीलाल धाकड़ शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकास यात्रा के माध्यम से सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना जरूरी है और लोगों से प्राप्त समस्याओं का विभागवार समीक्षा कर निराकरण की कार्रवाई की जाएगी। वह इस कार्यक्रम में विधायक धाकड़ ने संपल योजना, लाडली लक्ष्मी योजना सहित कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे। तो आज हमारा ग्राम पंचायत में विधायक साहब आए थे, विकास यात्रा भी निकली और गौशाला भी का भी लोकार्पण किया। एक अतिरिक्त कक्ष है, एक स्वास्थ्य परिसर है, एक कन्याशाला में एक और कन्याशाला में भी है लेडीज स्वास्थ्य परिसर। ग्रामीणों के लिए कौन कौन सी योजना का लाभ आज विधायक मोदी द्वारा? ग्रामीणों के लिए तो दिए प्रमाण पत्र, जितने भी स्वीकृत हमारी सरकारों ने किए हैं इसलिए विकास यात्रा निकाली है। जितनी भी आवश्यकता है हर गांव-गांव में, वो पेयजल की हो, सीसी रोड की हो, गौशालाओं की हो, ऐसी समस्त विकास के काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। लाखों ने करोड़ों के काम किए हैं और इसलिए विकास यात्रा के साथ में भूमि पूजन, लोकार्पण और योजनाओं की जानकारी देने के लिए हमारी विकास यात्रा निकली पूरे प्रदेश।